कोई भी आदमी कैरी कर सकता है, इतना प्यारा और छोटा सा रिवॉल्वर है, बिल्कुल ना छोटा। नमस्कार सारे भाइयों को, सारी YouTube फैमिली को, और आपका फिर से स्वागत है इंडियन गनमैन चैनल पर। और इसी सीरीज़ की दूसरी वीडियो स्टैलियन रिवॉल्वर, जो कि नाहान हिमाचल प्रदेश की है, इसी सीरीज़ में हम आपको दूसरी वीडियो में अब आपको दिखाएंगे ये खूबसूरत सा रिवॉल्वर जो कि स्टैलियन कंपनी का है। तो अधिक जानकारी तो भैया ही दे पाएंगे क्योंकि नया गन है ना, हमने चलाया ना हमने देखा है, आप ही लोगों को दिखाने के लिए भैया को परेशान कर रहे हैं हम डेली डेली फिर से। तो ये देखिए इतना लाइट वेट एक हाथ में आ गया, इतना कॉम्पैक्ट गन, और सबसे अच्छी चीज़ है ये साइड 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 ओपनर साइड ओपनर है। और ये देखिए इतना प्यारा और छोटा सा रिवॉल्वर है, बिल्कुल ना छोटा सा, इसको कोई भी आदमी कैरी कर सकता है। और ये यहाँ से वापस बंद हो गया, इसमें यहाँ पे आपको लॉक मैकेनिज्म मिलेगा इसका, ये लॉक हो गई आगे करने पे हाँ लॉक हो और गई थी। पीछे करने पे ये अनलॉक हो गई। बहुत ही छोटा है ये देखिए, ये इसका लॉक सिस्टम है, ये साइड ओपनर बटन है इसका, यहाँ से आपका साइड ओपन हो गया यहाँ है ये। पे और ये और सिक्स सिलेंडर है, इजेक्ट भी आपको ऐसे होगा इसको हाँ दबाने से, प्रेस करने से। अच्छा, इसको प्रेस करने से, अरे वाह, इजेक्टर टूल भी इसके अंदर है ताकि कार्टेज ना फंसे। ये 32 में है, निकालने के लिए कार्टेज। ये 32 बोर का रिवॉल्वर है, और कंपनी ने मेरे को लग रहा है इसके साथ भर भर के एक्सेसरीज दे दी है, जो कोई कंपनी नहीं करती उसने करने की कोशिश करी है। एक ग्रिप आपको ये लगा के दे दी है, एक ग्रिप आपको ये पसंद नहीं आ रही आप ये वाली लगा लीजिए, छोटी लगा लीजिए, बड़ी छोटी लगा लगा लीजिए, लीजिए, हर डिजाइन से लगा आप लीजिए। इन्होंने तो आपके हाथ के हिसाब से दे दिया, किसी का ज़्यादा छोटा हाथ है तो ये है ही, इससे थोड़ा सा बड़ा है तो ये दूसरी, अगर उससे भी बड़ा है तो तीसरी ग्रिप, और टूलिंग ब्रश किट वगैरह ये सब इसके साथ में ही उन्होंने दे दिया है। तो मैं भैया से जानना चाहता हूँ और अपने व्यूअर्स को भी बताते हैं कि ये जो गन है अभी, तो देखिए इसकी पूरा रिव्यू तो हम नहीं दे सकते क्योंकि हमने चलाई नहीं है, ना आपने चलाई होगी मेरे ख्याल से अभी तक, ना मैंने ही चलाई है, लेकिन लोग अगर इसे ख़रीदना चाहते हैं तो ये कितने की होगी अप्रॉक्सीमेटली, क्या कंपनी ने कॉस्ट इसकी MRP टाइप क्या ये रखी है? MRP लगभग लगभग इन्होंने 170 की समथिंग रखी है इन्होंने। अच्छा, और बाकी जो बहुत भी ही बेस्ट होगा वो वो बेस्ट होगा तो वो तो हम वो करेंगे ही भैया करेंगे। को हाँ व्हाट्सएप करके और दूसरी अपना बात है, लाइसेंस पूछिए हाँ जी। मतलब सिक्स कार्टेज वाला इन्होंने सिक्स सिलेंडर कार्टेज वाला, बनाया है और अच्छा बहुत ही लाइट वेट में बनाया है इन्होंने। ये मेरे ख्याल से हाँ 400-500 ग्राम की तो नहीं होगी कहीं, साढ़े 500 ग्राम लगभग है। 550 ग्राम हाँ के साढ़े लगभग है। पाँच सौ ग्राम के लगभग है और इसको इजी कैरी कर सकते हैं आप। अच्छा, इसमें यहाँ पे कार्टेज रखने के लिए भी बॉक्स में ही जगह दी हुई है, हाँ ये बॉक्स अगर भी, कोई व्यक्ति, बॉक्स भी बहुत अच्छा बनाया इन्होंने। बॉक्स भी हाँ अच्छी क्वालिटी का बनाया हुआ है क्वालिटी स्टैलियन बनाया का। है। ESTE हिमाचल वालों ने बनाया है ये। अच्छा, EST, ESTE AST, हाँ स्टेलियन उन्हीं का है ये, अच्छा शायद भार्गव आर्म्स वालों का ही है लगभग। अच्छा जो आपको अभी तक नॉलेज है ये हाँ भाई भार्गव उन्हीं आर्म्स वालों उन्हीं का का ही ही है। है शायद ये। अच्छा, हाँ बनता हिमाचल ये बनता में, हिमाचल में है, ये मैन्युफैक्चर वहीं होता है। बहुत ही अच्छा। तो ये जो रिवॉल्वर है इसकी और कोई खूबी तो मुझे अभी तक तो नहीं दिख रही है भाई, क्योंकि जितना पता है कि ये लॉक सिस्टम है, यहाँ पे ये आपका लॉक हो गया, ये मैंने अनलॉक किया तो ये चल गया, सॉरी यार ड्राई फायर कर दिया, करते नहीं है, और लॉक सिस्टम यहाँ है, आप इसको इस तरह से भी, इसको क्या हाँ बोलते हैं भैया, इसको 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 सिंगल, रोक के, इसको इसके इसके हैमर है वो रोक के भी आप फायर कर सकते हो सिंगल बैरल बंदूक की जैसे। अच्छा, हाँ ये निशाना लगा सकते हो आराम से। और ये फायर कर देगी। हाँ और बाकी इतनी इस वीडियो में मैं इतना ही बता पाऊंगा, बाकी अगर कोई मित्र कोई साथी इस गन को लेना चाहता है तो रविंद्र गन हाउस पे आए, अच्छे रेट हैं, अच्छा प्राइजेस मिलेगा आपको, और थोड़ा बहुत शायद अच्छा डिस्काउंट, और सर्विस सर्विस सबसे मेन है इनकी, सर्विस, सर्विस मेन है, वो सर्विस मेन आगे है, तक का क्योंकि ध्यान दिया जाता है। अगर सर्विस हाँ अच्छी नहीं होती तो आज ये 100 साल बाद भी यहीं नहीं बैठे होते, 1920 पूरे 100 साल हो गए भाई, हाँ पूरे हो गए। 1923 2023 जी। 100 साल हो गए हैं, तो भैया ये यहाँ पे इसीलिए बैठे हुए हैं क्योंकि सर्विस इनकी मेन है। बाकी इस वीडियो में इतना ही बताना चाहूँगा, और अगली वीडियो सिग्नेट आर्म्स पे देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। किसी भाई को रिवॉल्वर चाहिए हो आपके किसी मित्र को तो उसको शेयर करें। थैंक यू सो मच।